हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय सर शो वोडाफोन शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी अपडेट्स होंगे आपको चैनल पे मिलने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आ रहा है बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से। जैसे कि आपको पता है, NMC की नई गाइडलाइंस आई थी 18 नवंबर 2021 को, और गाइडलाइंस में ये लिखा था कि आपके पास जहाँ से भी आप MBBS कर रहे हैं, कम से कम 6 ईयर्स की ड्यूरेशन होनी चाहिए, 5 ईयर्स अकेडमिक की और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। उसके साथ साथ जहाँ से भी आप MBBS कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस होना चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज थी जो फुलफिल नहीं कर रही थी, तो धीरे धीरे आगे उन्होंने फुलफिल करना स्टार्ट किया। तो अभी जस्ट अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बांग्लादेश ने अलाउ कर दिया है। तो मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिलिंग वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट कि जितने फॉरन जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 5+1 की, 5 ईयर्स आपके अकेडमिक्स और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहने वाली। और जो टीचिंग रहेगा, मीडियम ऑफ टीचिंग, वो आपका इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। और एक सबसे बड़ा डाउट था जो हमने लास्ट नोटिफिकेशन देखा था बांग्लादेश मेडिकल डेंटल काउंसिल की तरफ से, उसमें ये था कि वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन बांग्लादेश। तो ये बड़ी बहुत बड़ी लाइन थी। तो इस लाइन को मतलब इस पर बहुत सारी काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस ने बात करी बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे मीटिंग्स हुई, तो उसके बाद फाइनली डिसीजन ले लिया बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने, और डिसीजन ये लिया है कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा, प्रैक्टिस इन बांग्लादेश सब्जेक्ट टू वर्क परमिट। आप वहाँ से का वर्क परमिट लें, आपको कोई भी जैसे कॉलेज आपको हॉस्पिटल में जॉब चाहिए तो वहाँ से वर्क परमिट मिल जाएगा आपको, और आपको रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे न्यूज़ आ रही है बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल की तरफ से कि आपको रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस मिल जाएगा। पहले नोटिफिकेशन में ये था कि स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो अब ये इसको चेंज करके, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें बताया गया कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्क परमिट लेने के बाद। तो ऑफिशियली आपको फिर से बता दूं मैं आपको, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि बांग्लादेश ने अलाउ कर दिया, अब आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वो काफ़ी कम से कम बजट अराउंड 30 लाख से स्टार्ट होते हैं, 50 लाख तक कॉलेजेस हैं हमारे पास। और जो हमारी फीस रहेगी, काउंसलिंग फीस, जो हमारी प्रोसेसिंग फीस रहेगी, मैं आपको बता दूँ 25,000 रुपीज़ रहेगी, जिसमें आपका हम वीज़ा, आपको हॉस्टल तक ड्रॉप करके आना, सारी फैसिलिटीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कॉलेजेस की लिस्ट सेंड कर दी जाएगी हमारी टीम की तरफ से, नीचे दिए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिस भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप सिलेक्ट करें, फीस बता देंगे आपको, ठीक है, और जो इनिशियल अमाउंट होगा रजिस्ट्रेशन का वो करवाएं, और जो 25,000 रुपीज़ में सिर्फ आपका वीज़ा के साथ हम जो भी प्रोसेस होगा वो आपका करके देंगे, ठीक है। आपको छोड़ के आना, वहाँ पे सारी जिम्मेदारी इसमें हमारी होगी, ठीक है। तो ये हमारी फ़ीस रहेगी, और जो कॉलेजेस की एक्चुअल फ़ीस है वो आपको कॉलेजेस में पे करनी है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो देखो, जैसे भी 2022 चल रहा है, तो अगर आपने 22 का पास आउट है तब एडमिशन हो जाएगा, और 21 तक का हो जाएगा। लेकिन जो 2020 है, 2019 है, उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश में सिर्फ 1 साल का गैप चलता है, उससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं चलता। तो सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ का यही है। इसके अलावा आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, और 12th में PCB में 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे हमारे पास कॉलेजेस हैं, ठीक है, हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली बांग्लादेश की तरफ से यहाँ पे अप्रूवल आ चुका है कि अब वहाँ पे प्रैक्टिस का आपका लाइसेंस मिलेगा। NMC गाइडलाइन को फुलफिल कर रहे हैं, 5+1 की आपकी कोर्स ड्यूरेशन रहेगी, और जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो आपका इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। तो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु वांट टू स्टडी इन बांग्लादेश, ठीक है। तो जो भी MBBS करना चाहते हैं बांग्लादेश से वो कर सकते हैं फाइनली, और हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, हमें व्हाट्सअप करें या कॉल करें, कॉलेजेस की आपको लिस्ट मिल जाएगी। और मैं आपको फीस का एक और बात बता दूँ कि वहाँ पे फीसेस कैसे रहती हैं, कैसे पे करना होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको समझ के चले 30% तक आपको पे कर देना है, ठीक है, तभी आपकी वहाँ पे उस हिसाब से आपकी यहाँ पे फीस आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 30% फीस आपको फर्स्ट ईयर में करनी पड़ेगी, और बाकी की जो फीस होगी आप रिमेनिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में आप वो पे कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो हमारी नए अपडेट पे बांग्लादेश पे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई क्वारी है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारी टीम को नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।